वेलकम टू कोडर स्टूडेंट्स, कोडर इंटरफेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो नया ट्यूटोरियल लाया हूँ वो मैं सर्वलेट का लेके आया हूँ। और सर्वलेट के अंदर आज हम लोग बात करेंगे एचटीटीपी सेशन के बारे में। एचटीटीपी सेशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कुकी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम HttpSession सेशन का यूज़ करते हैं। HttpSession सेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ हम बहुत सारे जितने भी हमारी वेब एप्लीकेशंस, तो इसका यूज़ हम बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस में करते हैं। अगर मैं बात करूँ J2EE एप्लीकेशंस की, तो J2EE एप्लीकेशंस के अंदर भी हम जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें भी हम लोग HttpSession सेशन का यूज़ करते हुए ही एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि HttpSession सेशन इज़ अ प्ले अ वाइटल रोल ऑल द एप्लीकेशंस। तो बच्चों, क्या होता है HttpSession सेशन, हम लोग स्टार्ट करते हैं HttpSession सेशन। HttpSession सेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ सेशन मैनेजमेंट विच मेंटेन एन आइडेंटिटी ऑफ अ क्लाइंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस द नेटवर्क फॉर मेकिंग एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेशन ऑल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर कॉन्जेकटिव। जैसा आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एक बैंक एप्लीकेशन की, आप सभी के अकाउंट्स होते हैं बैंकिंग में, आप सभी के बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं, और आज जितने भी हमारे आईटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी आप कभी भी ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं किसी बैंकिंग साइट की, या मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और आप देखे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अगर उस वेब एप्लीकेशन का यूज़ करके उसका यूज़ नहीं करते हैं, आप उसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन करते नहीं हैं, कुछ भी चेक नहीं करते हैं, और एक टाइम किसी के लिए 2 मिनट होता है, किसी के लिए 3 मिनट्स होता है, उसके बाद आप देखते हो ऑटोमेटिकली ही वो पेज क्लोज हो जाता है और बोलता है सेशन एक्सपायर। इससे क्या मतलब होता है, सेशन एक्सपायर मतलब क्या, हम एक टाइम के अकॉर्डिंग सेशन को सेट कर देते हैं और बोलते हैं अगर इस पर कोई भी इतने टाइम तक कोई भी ट्रांजेक्शन ना करे, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, तो ऑटोमेटिकली सेशन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी वेब बैंकिंग एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बढ़ती है। और आप लोगों को मालूम है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HttpSession सेशन, HttpSession का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या होता है आप सभी को पता है कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। और सेशन क्या होता है, सेशन एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है जितने टाइम तक हम उस पर्टिकुलर सेशन को क्या करते हैं, सेट करते हैं। बच्चों, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं वो डायग्राम ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बच्चों और दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ब्राउज़र है, क्लाइंट टू है, ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं। और वो दोनों रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती हैं, सर्वलेट के पास में जाती हैं। और आपको पता है सर्वलेट में हम थ्रेड्स का यूज़ करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट क्या है, जैसे पैरेलली एक साथ सर्वलेट क्या करेगा, उसको आगे के लिए भेज देता है। और वो किसके पास में जाती हैं, वेब कंटेनर। वेब कंटेनर के अंदर आपका सर्वलेट भी होता है। तो यहाँ पर सर्वलेट क्या करता है, सर्वलेट सेशन आईडी क्रिएट करता है, पर्टिकुलर सेशन आईडी क्रिएट करके फिर वो सर्वर के पास में जाती है, और सर्वर उसका रिस्पांस देने के बाद उसी टाइम पर ये क्या करता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देता है। तो सेशन मतलब आप मल्टीपल सेशंस का यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल यूज़र्स एक सेशन का यूज़ करते हुए चीजों को बना सकता है। तो बच्चों,
तो ये हमारा सेशन मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि किस तरीके से हम बच्चों सेशंस को क्रिएट करते हैं, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम सेशन का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें, स्टेप फॉर डेवलपिंग HttpSession सेशन एप्लीकेशन। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है हमारे सर्वलेट में या JSP में, तो हम किस तरीके से सेशन डेवलप करते हैं और सेशन डेवलप करने के बाद किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशंस के अंदर में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HttpSession सेशन इंटरफेस। आप लोगों को मालूम होगा जो हमारा HttpSession सेशन है एक इंटरफेस है, हम उससे क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को फेच करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ HttpSession सेशन वी हैव टू यूज द फॉलोइंग टू मेथड्स। यहाँ पर नॉर्मली हम दो मेथड्स का यूज करते हैं विच आर प्रेजेंट इन HttpSession सर्वलेट रिक्वेस्ट, और वो जो मेथड्स होती हैं वो HttpSession सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो जो पहली मेथड होती है वो होती है पब्लिक HttpSession सेशन गेट सेशन, और जो दूसरी मेथड होती है वो भी होती है पब्लिक HttpSession गेट सेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो है मेथड वो आपकी जीरो आर्गुमेंट मेथड है, और जो दूसरी है उसमें हम बुलियन एज ए बुलियन वैल्यू को क्या करते हैं पास करते हैं। तो बच्चों आपको इन दोनों मेथड्स का यूज़ करते हैं, गेट सेशन का और गेट सेशन बुलियन टाइप। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है HttpSession सेशन का, HS क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट जो हमारा HttpSession सर्वलेट रिक्वेस्ट का पैरामीटर है तो रिक्वेस्ट गेट सेशन, क्योंकि हम जो सेशन क्रिएट करते हैं वो रिक्वेस्ट के टाइम पे ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है वो गेट रिक्वेस्ट सेशन दिख रहा है, उसके बाद HttpSession सेशन, ये हमने सेकंड गेट सेशन का बनाया जिसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया उसको क्या दिया ट्रू दिया। इसके बाद व्हेन वी यूज मेथड सेकंड मींस दिस मेथड द बुलियन वैल्यू कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप बुलियन वैल्यू को की तो ट्रू भेज सकते हो या फॉल्स भेज सकते हो। केस वन, अब मैं आपको अलग अलग केस बताऊँ किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। केस वन, सेशन नॉट क्रिएट एंड बुलियन वैल्यू इज ट्रू। सेशन अगर आपकी क्रिएट नहीं हुई है और बुलियन वैल्यू इज ट्रू, सेशन विल बी क्रिएटेड न्यूली। आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका पहले से कोई सेशन नहीं बना है और आपने क्या किया है गेट सेशन ट्रू किया है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर गेट सेशन ट्रू किया है ट्रू सेशन विल बी क्रिएटेड, एक नया सेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम नया सेशन बनाते हैं, HttpSession सेशन हैज रिक्वेस्ट गेट सेशन ट्रू। इसके बाद यहाँ पर एक केस टू है, केस टू में क्या होता है सेशन नॉट क्रिएटेड एंड बुलियन वैल्यू इज फॉल्स, सेशन विल नॉट बी क्रिएटेड एट ऑल। अगर आपने क्या किया सेशन आपका क्रिएट नहीं हुआ आपके एप्लीकेशन के अंदर और आपने क्या किया है बुलियन वैल्यू इज फॉल्स, तो सेशन विल नॉट क्रिएटेड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल दिस। अब हम बच्चों बात करेंगे केस थर्ड के बारे में, तो यहाँ पर केस थर्ड में क्या बोला है, सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड एंड बुलियन वैल्यू इज ट्रू, एग्जिस्टिंग और ओल्ड सेशन विल बी कंटिन्यू विथ चेकिंग। क्या किया आपने केस थर्ड में क्या हो रहा है, सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड, अगर सेशन हमने पहले से क्रिएट कर दिया है एंड बुलियन वैल्यू इज ट्रू, पहले
पहले से क्रिएटेड है और बुलियन वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो पहले से अवेलेबल है और ओल्ड सेशन, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी क्रिएट किया है और ओल्ड सेशन मतलब जो पहले की सेशन, विल बी कंटिन्यूड विथ चेकिंग। तो उसके लिए हम ये वाला सिनेरियो यूज़ करते हैं। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट केस है वो केस नंबर 4 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड एंड बुलियन वैल्यू इज फॉल्स, एग्जिस्टिंग और ओल्ड सेशन विल बी कंटिन्यूड विदाउट एनी चेकिंग। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर हमने क्या किया, सेशन पहले से क्रिएट है एंड वो बुलियन वैल्यू इज फॉल्स है, तो एग्जिस्टिंग और ओल्ड सेशन विल बी कंटिन्यूड विदाउट एनी चेकिंग। तो ये हमारे अलग अलग केस थे जो हम सेशन पर देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे सेशन मेथड्स के बारे में, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं सेशन में, और उसके बाद मेथड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों। तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे बने रहिए कोडर के साथ, देखते रहिए ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।